आप नतीजा देखना, जैसे 2009 उसमें आई थी ना, 4 में 10 की 10 हम जीतते थे। सेंटर में किसकी सरकार बन रही? इंडिया गठबंधन। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? ऐसे प्रधानमंत्री का चेहरा बता देंगे। एग्जिट पोल लगातार चल रहे हैं और एग्जिट पोल को देख के कहीं एक बार दिमाग में कोई सोच उभरी भी कहीं कहीं गड़बड़ भी हो सकती है? एग्जिट पोल जिस दिन आए उस दिन तो हमारे बक्से बंद थे, उनको क्या पता क्या हुआ है, लेकिन इससे पता लगता है कि उनकी हालत कितनी बुरी है। उनको एजेंट ही नहीं मिले क्या जींद जिला में? ये तो झूठ बोलने जावे इनका क्या है यार, एक झूठ की रेल लेकर चल रहे हैं। मोदी पे किसी का विश्वास तो है नहीं, मोदी गारंटी होगी थोथी। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही। 3 मई आज है और जो लोकसभा का जो रिजल्ट का दिन है 4 मई, उसके आने में कुछ ही घंटे शेष हैं। आज हम पहुंच गए हैं हांसी की जाट धर्मशाला में और दरअसल यहां पर जो है हिसार लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, जयप्रकाश उर्फ जेपी, वो यहां पहुंचे हुए हैं और 3 विधानसभा के 3 हलकों के लोगों की यहां मीटिंग हो रही है। कल के लिए कुछ ना कुछ तैयारियां चल रही हैं। क्या तैयारियां हैं और कैसा वो मानते हैं कि कल का जो दिन है, कल का जो सूरज है, वो कांग्रेस के लिए कैसी एक नई सुबह लेके आ रहा है या कुछ और एक अपने गर्भ में कोई और राज लेके आ रहा है, कल वो पता चलेगा। लेकिन आज हम जयप्रकाश जेपी से बात करेंगे कि वो कितने आश्वस्त है अपनी जीत के प्रति। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के अंत तक आप बने रहें और अगर आपकी कोई राय कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए पूरी वीडियो देखते हैं और जयप्रकाश से भी बात करेंगे कि वो कल के दिन के लिए कितने तैयार हैं। हिसार लोकसभा से कांग्रेस के जो प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी आज हांसी पहुंच चुके हैं, कल का जो दिन है वो बड़ा अहम होने वाला है। बात करेंगे कि किस प्रकार की क्या तैयारियाँ चल रही हैं। और जी कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। क्या तैयारियां चल रही है, कल का जो दिन है वो बड़ा कितना अहम मानते हैं कल का? देखो अहम है, काउंटिंग है, नतीजा है, नतीजा होता है और उस नतीजे को निकलवाने के लिए जिन लोगों की ड्यूटी है काउंटिंग एजेंट, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके का रवैया सरकार का रहा पिछले 2 चुनाव में, तो इसलिए हम अपने जो एजेंट भाई हैं काउंटिंग एजेंट, उनको ट्रेनिंग दे रहे भाई क्या क्या प्रकोशंस में बरतनी चाहिए। कोई कोई खास हिदायत भी दी हो आपने भी इस बात को, आपने खास ध्यान रखना है? हमने जैसे CU नंबर, तो उनके कितनी वोट पड़ी हैं, कितने टाइम वो खुली है, कितने टाइम बंद हुई है, किस तारीख को खुली है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो C13 17C एक फार्म है उसके हिसाब से मिलाना, फिर उसमें वोट कितने कॉस्ट हुए हैं, कितने हैं, कितने उसमें मशीन में हैं, सारी चीज़ें निकलवाएंगे। अब कुछ ऐसा भी कोई मुद्दा उठा था कि उचाना में जो है वो सिरसा के एजेंट लगा दिए गए थे, वहाँ कोई और, वो भी आप कुछ बता रहे थे? ऐसा कुछ इन्हें एजेंट ही नहीं मिले, इसका मतलब उचाना में एजेंट सिरसा से लेके आए। वो वैलिड होता है वैसे, आप ज़्यादा जानते हैं? वैसे तो वैलिड है, कोई हिस्ट्री सीटर या इस तरह का नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे पता लगता है कि उनकी हालत कितनी बुरी है। उनको एजेंट ही नहीं मिले क्या जींद जिला में? चलो एजेंट नहीं मिले उनको, लेकिन जो वोटिंग डे था 25 मई जो थी, उस दिन का माहौल कैसा था? आप हर जगह घूमे, वहाँ क्या क्या माहौल लगा? मैं ज़्यादा शहर में था और शहर में बहुत अच्छा माहौल है। अगर ओवरऑल अगर हम हिसार लोकसभा की बात करें तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? कांग्रेस का, जेपी का। जेपी का, अच्छा ये देखिए एग्जिट पोल लगातार चल रहे हैं और एग्जिट पोल को देख के कहीं एक बार दिमाग में कोई सोच उभरी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ भी हो सकती है? एग्जिट पोल जिस दिन आए उस दिन तो हमारे बक्से बंद थे, उनको क्या पता क्या हुआ है। राहुल गांधी ने एक जगह मीडिया के सामने कहा कि ये जो एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी पोल है। ये सही है, मैं वही मैं कह रहा हूँ, तो झूठ का एक पुलिंदा था, उनको क्या पता सिसाए कहाँ हैं, उनको क्या पता सेडा माजरा कहाँ है, उनको क्या पता बांडाइडी कहाँ है। ये हिसार लोकसभा के गाँव के नारे, हाँ भाई वो बता दो, जितना मीडिया है देश का नेशनल मीडिया सारे की खुली चुनौती है ये काम बता दो जो मैंने बताया, फिर उनको कैसे पता लग गया वोट कहाँ पड़ी? इनकी रिपोर्ट तो ली होगी उन्होंने, हमसे ले ली, आपसे ले ली, किसी न किसी से? नहीं, पहले जो एग्जिट पोल आता था काउंटिंग के ऊपर, पोलिंग के ऊपर ही अपने लोग भेजते थे, अब ये सैंपल लेना शुरू कर दिया वो भी शहरी लोगों से, तो इसलिए इस पर विश्वास नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो एग्जिट पोल कह रहे कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी, हमारी नहीं बनी, वहाँ कहाँ गया था एग्जिट पोल वाले? आप क्या मानते हैं कि जो एग्जिट पोल है वो परिणाम से उलटा होता है? झूठा, पूरे का पूरा झूठा सारा। जबकि हरियाणा में तो इस बात को तो 90% एग्जिट पोल वाले मान ही रहे हैं कि 8 सीट तक भी कांग्रेस आ सकती है, वही हमारा।
आप ऐसे आप जयप्रकाश खुद कितना मानते कि सर लोकसभा की अलग बात करें और पूरे हरियाणा में 10 में से कितनी सीटें कांग्रेस ले रही है? तो ये कहता हूँ कि 10 की 10 सीटें आएंगी, आप नतीजा देखना। जैसे 2009 उसमें आई थी ना चार में 10 की 10 हम जीते थे, एक बीजेपी को हमने वैसे दे दी थी। सेंटर में किसकी सरकार बन रही? इंडिया गठबंधन। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? ऐसे प्रधानमंत्री का चेहरा बता देंगे हम, मोदी की तरह नकली काम थोड़ा करा। जो भाजपा है ना वो लगातार कांग्रेस को इसी प्रकार से घेरती है कि उनके पास तो कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है अभी तक। जब मैं न्यू बताया एक बात, हमारे भी तो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, हमारी तो 10 की पार्टी है। ये किसी भी स्टेट में चुनाव होते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा देते हैं, बोला मोदी जी को वोट दो। कारपोरेशन के चुनाव होते हैं, मोदी जी को वोट दो। तो सब कुछ मोदी जी को करना है, फिर ये लोग क्यों बैठे हैं? ताना चाहे डिक्टेटरशिप है ये तो नहीं सर। लोकसभा में भी सुना कि राहुल वर्सेस मोदी का ही इलेक्शन बोल रहे थे। ये तो झूठ बोलने जावे इनका क्या है यार, एक झूठ की रेल लेकर चल रहे हैं। मोदी पे किसी का विश्वास तो है नहीं, मोदी गारंटी होगी थोथी। जो कल का जो दिन है आपने काफी जो परिणाम के दिन आपने बहुत देख ली, काफी आप इलेक्शन लड़ चुके हैं, कल के दिन में और बाकी और दिनों में आप कितना एक अंतर कितना मानते हैं? नहीं अंतर तो होता है, हमारा नतीजा आएगा हम पास होंगे खुशी होगी। कितना आश्वस्त हैं जीत के? 100% यार, ये भी रड़क रह रही है देखिया नहीं? ये तो आपने बुलाया और कई हलकों के लोग बुलाए, कईयों के नहीं है ये 3 हलके। फिर भी कितने उचाणा हो गया? उचाणा नानू दो रांची, यानी बाहर दूर दूर से लोग आए हुए ना? ना ना यार मैं 3 कह रहा हूँ, 3 हलकों के। चलिए अब इसके बाद हम वहाँ जाएंगे वाणीखेड़ा, कल इशार कर ली। मैं एक चीज मैं आपसे पूछूं, तुम एक बात देख ले, जब बीजेपी आना पे काउंटिंग एजेंट नहीं पान दे मैं खड़ा थे जीते। जेपी का खुल के अंदाज नहीं आ रहा अभी तक, जिस जेपी को हम जानते हैं ना बुलंद आवाज में खुल के वो नहीं बोल पा रहे हैं। ओको बोलूं, ओको छेड़ा का चूहिया बोलूंगा कोई मैं। अच्छा ये बताए, भारतीय जनता पार्टी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, 25 मई को कितना उसका इफेक्ट देखने को मिला? राम हमारा ये के मांगे तो राम के दुश्मन है। पता नहीं हम लोगों से हम बात कर रहे थे, बोले जी राम लला के राम को घर मिल गया ये मिल गया जी। सारी बात करने तो बनाए कि मैं दाम तो हमने मार के सो अब मरते तो नहीं। किसकी बात कर रहे हो आप? ये मीडिया, मीडिया ने हमेशा जयप्रकाश का साथ दिया, आपके साथ चले हैं, आपको हमने कितना कवर किया है। सोशल मीडिया ने दिया, नेशनल मीडिया ने किसी ने साथ बात नहीं दिया। चलिए कल का जो दिन है वो सोशल मीडिया अलग चीज है, नेशनल मीडिया अलग चीज। अच्छा आपने जो 9 की 9 विधानसभाओं में आपने आप गए, कौन सी एक ऐसी विधानसभा आपको यूं लगे कि यहाँ से जो है वो अपनी जो स्थिति है वो डाउन हो सकती है? डाउन कहीं से नहीं है, 9 की 9 में क्लियर, बढ़िया प्यार प्रेम है। आदमपुर में बिश्नोई परिवार का कितना इफेक्ट मानना? मुझे क्या पता, वो तो वोट पड़ लिए ही क्या पता लगता है। आप गए तो आपको क्या लगा कि कितना था वहाँ? मैं क्या कह सकता हूँ, बिश्नोई समाज ने मेरे वोट दिए, मैं ये कह सकता हूँ। आपको मिले बिश्नोई? मिले, वो मिले। 9 की 9 विधानसभा में कहीं आपको यूँ नहीं लगा कि यहाँ पे अपने को और काम करने की जरूरत थी? रणजीत तो गाड़ी दंडांड है, मैं दूँ किसी ने कहा। चलिए कल के जो दिन है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे किसी प्रकार हम नजदीक बैठ के हम आपसे बात कर पाए। ये तो होगा पक्का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जयप्रकाश जेपी थे और जैसा इन्होंने कहा कि कल का जो दिन है वो कांग्रेस के पक्ष में होने वाला है, आप क्या मानते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मेरा नाम मुकेश माही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।